सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं रुचि रावत अपने नए ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। तो फिर से हो गई है आज मेरी एक नए दिन की शुरुआत एक नई वीडियो के साथ। तो अभी टाइम हो गया है 9:30। तो आज हमारा नाश्ता वगैरह कुछ नहीं बना, तो अभी मैं यहाँ पे काट लिया आलू। और बाहर का मौसम भी हो रखा है, आज बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो रखा है। आलू काट के रख रखे हैं, तो ये आलू मैंने पकौड़ी बनाने के लिए काट रखे हैं। तो हम नहा धो के तैयार तो हो गए हैं। मैं जला रखी है मैंने आग, और यहाँ पे दीदी के लिए हो रहा पानी गर्म। तो अभी नहा तो गई हूँ, मैं सुबह ही नहा गई थी। तो अब पहले पकौड़ी के लिए आलू काटते हैं फटाफट, फिर करते हैं बाकी का और काम। अरे मैं धनिया लेने के लिए खेत में, तो यहाँ पे ये धनिया और रखा था, तो ये धनिया ले जाऊँगी मैं पहले चाकू से काट के। आई मैं पकौड़ी के लिए यहाँ पे धनिया और धनिया और ये है हरी मिर्च, ये है हरी मिर्च। मैं ना हरी मिर्च कैंची से काटती हूँ क्योंकि मेरे ना हाथ में मिर्च लग जाती है। इसमें मैंने हरी मिर्च और धनिया भी काट दिया है। तो अब मैं पहले यहाँ पे ना चूल्हे की लिपाई करूँगी क्योंकि आज हमें सबको सो धोना है। तो पहले हम लोग चूल्हे की लिपाई करेंगे, फिर जाके हम चूल्हे में खाना बनाएंगे आज। क्योंकि मैं बता रही थी पहले कि हमारी फैमिली में कोई ख़त्म हो रहा था, तो आज उसकी मतलब 13वीं है। तो आज 13 दिन हम लोगों ने मतलब तेल खाना स्टार्ट कर देना है। तो आप लोग इसे वीडियो शेयर करूँगी मैं। यहाँ पे मैंने ये सब मिक्स कर दिया है, और यहाँ पे मैंने फियाल कढ़ाई रख रखी है, और यहाँ पे ना चूल्हे की लिपाई भी कर दी है मैंने गोबर से। तो यहाँ से अच्छे से आग जल रही, और अभी मैंने पूरी वगैरह तो बना दी है। तो अब रोटी बनाना बाकी रह गया है, और ऊपर गैस में रख रखी है हरी सब्जी बनाने के लिए। तो पहले रोटी बनाती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। मैं इसे चूल्हे पे पका दूँगी। पे है ये पीला कलर का बहुत ही ज़्यादा प्यारा फूल। यहाँ पे लोगों ने बना रखा है बिटोरा, और इसके अंदर है उपले। और आज का लाई वाले खेत लग रहे बहुत ही प्यारे, और यहाँ देखना लोगों ने रोड पे बना बना के उपले ऐसे बना रखे हैं। और जब ये सूख जाएंगे तो फिर इनकी ढेर लगा देते हैं, और फिर ऐसी ढेर लगा देते हैं जो उपले सूख जाते हैं। इस साइड भी हैं उपले, और दीदी जा रही है आगे से। और अभी टाइम हो गया है 2:30 बज गए हैं। तो हमारा आज दिन का लंच भी और नाश्ता भी एक ही साथ हुआ है। तो अब जा रहे हैं हम फिर से खेत की ओर। तो खेत कल गन्ना काट के रख रखा था, तो थोड़ा उसे छिल के आएंगे क्योंकि घर का काम तो हो ही गया था लगभग आज। और यहाँ आगे चल रहा बोरिंग क्योंकि नहर का पानी बंद हो गया है। और अभी पहुँच गई हूँ मैं अपने खेत की तरफ। तो अभी दिखाऊंगी मैं कि आजकल हमने अपने खेत में क्या क्या बो रखा है। तो अब ना हवा भी चलने लग गई है, और इस साइड पे हम बो रखे हैं हमने गेहूँ, जिस साइड ये पूरा खाली हो रखा है। और आगे वाले गेहूँ हमने पहले बो दिए थे तो वो जम गए हैं, और ये वाले गेहूँ जो पीछे वाले हैं ये हमने कुछ दिन पहले बोए थे, तो ये अभी धीरे धीरे करके जम रहे। हाँ, और ये बीच में दे रखा डॉल, तो इस डॉल के इधर है लाई। ये है यहाँ पे नील गाय खड़ी हो रखी है, ये
और अभी टाइम हो गया है, 5 बज गए हैं, तभी हम गन्ना छोल के तो आ गए हैं। तो अब जा रहे हैं हम घर की, और मैं, साजी और दीदी। और आजकल रोड ऐसी हो रखी है, उबड़ खाबड़ वाली। खेत की तरफ है पूरा जंगली जंगल। और ये यहाँ पे लोगों ने झोपड़ी बना रखी है, और इसके अंदर रख रखा है भूसा। यहाँ पे है पीर बाबा का मजार, ये रहा यहाँ पे। खेत अभी हमारा इधर भी है गन्ना छीलने के लिए, तो अभी दिखाऊंगी मैं आप लोगों को जिसमें ये हरा गन्ना हो रखा तो, जिसमें ये हरा घास हो रखा, अभी ये वाला गन्ना भी रह रखा है हमारा छीलने के लिए। हल्का हल्का कोहरा भी आने लग गया है, और यहाँ पे लोगों ने गेहूँ में पानी लगा रखा। अभी आज है मेरा ब्लॉग का दूसरा दिन, तो अभी हम यहाँ पे नाश्ता कर रहे हैं। तो नाश्ते में आज बना रखी हमने बगड़ की रोटी और चटनी, ये यहाँ पे घी रख रखा है, और ये है यहाँ पे चाय। और अभी टाइम हो गया है, 11 बज गए हैं, तो हमारा नाश्ता वगैरह तो हो गया है। तो अब जा रहे हैं हम फिर से खेत की ओर। तो आजकल हमारा, मतलब मेरा ब्लॉग ही खेत का ही आ रहा, क्योंकि आजकल हम डेली खेत जाते हैं। और आजकल ना गले में भी दर्द हो रहा, जुकाम लग रखा है, और खांसी भी हो रही। हमारे गेट के सामने वाली रोड में भी पत्थर बिछ गया है, तो अभी दिखाऊंगी मैं आप लोगों को कि पूरी रोड कैसे बन रखी है। तो पहले यहाँ पे मिट्टी मिट्टी हो रखी थी, पर आजकल पत्थर बिछ गए, तो आजकल सही हो गया है। और यहाँ पे खेल रहे बहुत सारे बच्चे, क्योंकि रोड कुछ इस तरीके से बन गई है।